हेलो एवरीवन, चलो कैमरा ना इस तरफ को है, ठीक है ना? इस तरफ को है, हाँ। चलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको कोई नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं। चलो करो करो तुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलजा, आपके होस्ट। नहीं, हेलो एवरीवन, आज का जो व्लॉग है ये जो शुरू हो रहा है, ये हो रहा है सेकंड की शाम को, ठीक है? अभी पहले वाला व्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है? तो मुझे लगा चीनू के साथ अगला दिन जो होता है वो फिर रात तक हम लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आज अभी ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़े से हम ढंग के दिख भी देते हैं हल्के फुल्के, इसलिए मैं चलो इतने फ्रेश हम बहुत कम नज़र आते हैं बैठ कर बातें करते हुए। तो आज मैं चाहती थी कि चीनू आप लोगों से बातें करें, करो। ग्रेट है, मैं चाहती हूँ ये पूरी तरह से कॉन्शियस हूँ यहाँ। तो आज ना हमने मतलब कोई पार्टी तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो चिनू ने बड़े टाइम बाद, नहीं तो ये हमेशा यही बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, ठीक है? और ये अपनी मतलब वहां से क्या बोलते हैं उसको, कि क्या कहते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं कि आज मुझे ये था, कल मुझे वो था, परसों ये था, और मैं तो काम ही नहीं कर सकता, ठीक है? पर आज इन्होंने कितनी बार बर्तन धो लिए होंगे अभी तक, बताओगे जरा, काउंट करो। मतलब मुझे जितना याद है तीन बार तो ये बर्तन ऑलरेडी धो चुके हैं और अभी चौथी बार भी धोएंगे, ठीक है? और हो सकता है कल सुबह भी धोएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वही काम लिया था कि मैं बर्तन धोऊंगा, बाकी सारा चार्ज मेरे पास था। तो आज के व्लॉग में मतलब जो ये व्लॉग चल रहा है ये तो चलेगा, तो ये कल तक ही चलेगा, बट चीनू जो है ना ये अब इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि दिखेंगे इस व्लॉग में, क्योंकि ये अभी ही बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, इस पहले कि और ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अपने फ्रेंड का वेट करते करते बहुत बोर हो चुका है और अभी पापा का खेलना शुरू। डुगो बॉल को पकड़ो, हंसते थोड़े ना रहना है। ये पहले बाल शुरू कर, चल उधर खड़े हो। आग्नेय doesn't know how to play. कैच। ओह, कैच कर लिया आग्नेय ने। वेरी गुड आग्नेय, फर्स्ट टाइम किया होगा इसने, है ना? चलो कैच कर। ट्यूबलाइट पे मत लगा देना फिर से। मैंने मैं किक कर दी। मैं किक नहीं करना। चलो। वेरी गुड आग्नेय, वेरी गुड। आग्नेय कैच देना भी आना चाहिए बेटा। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहा है तो। इसको तो आता ही नहीं था, नहीं तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा इसको कैच करते हुए। कैच। नीचे मत करो धमधम यार, नीचे लोग रहते हैं। मुंह में लग गया कहीं। शूज फिर भी नहीं पहने आपने। जी खेलते खेलते ये क्या किया, कार्टून प्रेस का? नहीं। यहाँ पर इन लोगों से ये फ्रेम जो है वो बॉल से नीचे गिर गई थी और उसके बाद चीनू इसको लगा रहे थे, मैंने इनको बोला मैं लगा देती हूँ, बट ये कहते नहीं मैं खुद लगा दूंगा। और पता है कितना टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा इसको फिक्स करने के लिए। मैंने मना भी किया चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी इनको करना भी आज ही था। बड़ी ही परफेक्शन के साथ चीनू इसको लगाते हुए, और उसके बाद भी ये ठीक से नहीं लगी थी, एक बार दोबारा फिक्स करने के बाद पता लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ये ना जो घड़ी वाला पोर्शन है ना, पकड़ना। चल रही है घड़ी यार, ये चलती क्यों नहीं है यार ये घड़ी, कि गिर के हुई है खराब। तो खेलते खेलते इन्होंने क्या कर दिया, मुझे पता भी नहीं था कि अभी के अभी भी हम एक ब्लॉग बना देंगे। इसी पेचकस से इलाज होते हुए अब ठीक से इसको फ्री करो पहले तो चेन को। अब ठीक है, दूसरा भी देख लेना, फ्री रखो, फ्री रखो उसको बिल्कुल। अब ठीक है। आपने आप देख क्यों नहीं रहे हो बेटा, अब तो आपको डांट पड़ जाएगी, पक्का डांट पड़ जाएगी। अब बॉल से खेल रहा हूं। नहीं बॉल से खेल रहे हो, साइड में खेलो अब।
डुगू सोच रहा है अभी भी इसको हम यही बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे बेटा बस और चीजें नहीं तोड़नी हमने, बेटा गेस्ट आने वाले उससे पहले ऐसे मत करो। डुगू मत कर यार, मत कर बेटा, चलो मान ही रहा बोलो। डुगू मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रैक्टिस अंदर जाके कर लो थोड़ी देर प्लीज, ठीक है ना? ठीक है यार, ये घड़ी नहीं चल रही इसमें, चला देंगे इसको बाद में, छोड़ दो। नहीं चल पड़ी, चल पड़ी। पानी की रामत देना डुगू, पानी की रामत इधर लो, मैं देती हूँ। नहीं मॉर्निंग, और अभी ना 10 बजने वाले हैं बस, वैसे तो उठे हुए एक आधा घंटा तो हो चुका है, लेकिन ऐसे उठने का मन नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, कल रात को मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे फ्रेंड्स आएंगे और हम मतलब गेट टुगेदर सी होगी, तो वो बहुत अच्छी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बस अभी मैं ना यही अपने मन में कुछ सोच रही थी कि अगर आपका पहला दिन अच्छा होना तो नेक्स्ट डे कितना ज़्यादा अच्छा होता है उसके बाद, मतलब अगर ऐसा ही हुआ करे कि आज का दिन भी अच्छा तो अगला दिन तो और ज़्यादा अच्छा होगा है ना, तो वैसे। और अभी मैं डुगू को दूध देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दूध पी लेता, लेकिन इसको गर्म लग रहा है। और अभी ना एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी मतलब बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग ही कर पाई मैं शाम को। क्लीनिंग मीन्स ऐसा नहीं कि घर को साफ कर पाई, मीन्स ये कि जैसे पता ही है आपको जब गेस्ट जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो अभी ना मैं जब सुबह उठी ना तो मुझे ना बिल्कुल ये भी टेंशन नहीं होती यार इतना बुरा हाल है ये, कुछ नहीं आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो थोड़ा बहुत तो मैं अभी भी उठ के करके आई हूँ। फिर अभी मैं चलो पहले डुगू को दूध पिला देते हैं, उसके बाद करते हैं आगे का शुरू काम। आज तो खैर कुछ काम मुझे होने, किचन में तो सिर्फ मुझे बर्तन धोने का काम होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होगा क्योंकि कल का इतना खाना बचा है कि शाम तक हो जाएगा बस वही है। और बहुत पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहा था लोगों को लगना चाहिए और इतना काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। पहली बार पता है मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि रात को पार्टी हुई थी तो सुबह जब उठ रहे हैं तो किचन में धड़ाधड़ प्लेट्स दिख रही हैं, कहीं कोई यहाँ रखी है कोई वहाँ रखी है या कुछ भी है। वैसे यहाँ वो वाला हाल नहीं है, लेकिन फिर भी ना पूरी फीलिंग आ रही है वही वाली कि सुबह उठ के टन टन टन, क्योंकि हमारे बहुत कम होता है यार ऐसे ना, बहुत ज़्यादा कम होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्माइल से समझ सकते होंगे कि हाँ कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा एक ही चीज़ को फिर रिपीट करते रहेंगे है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि साफ सफाई करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। ये कल जो जिन फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर था वो फ्रेंड्स लेकर आए थे, ये मेरी फ्रेंड ने खुद ही बेक करी हुई हैं, खुद ही बनाई हुई हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो हमेशा। और अभी बस मैं थोड़ी सी देर अभी फ्री होके बैठी थी, मैंने कहा था कि पहले काम कर लेते उसके बाद बात करेंगे, तो फ्री हुई और बैठ गई हूँ यहाँ पर आके। और थोड़ी देर धूप में भी बैठी थी, आज थोड़ी सी देर की धूप अच्छी आई, लेकिन अब दोबारा से बहुत ठंडा मौसम हो चुका है, इसीलिए मैंने ये वाला सूट फिर से पहन लिया कि जब ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं ये पहनना प्रेफर कर रही हूँ, मुझे पता लग चुका है ये बहुत कंफर्टेबल है तो आप इसको पहन लो। और टॉपिंग इसमें ऊपर ये चेरी नहीं है, क्या है ये, मुझे इसका टेस्ट बताना नहीं आ रहा यार, बट जो भी है बहुत अच्छा है, पता है मुझे, मैंने पहले इसको टेस्ट कर रखा है। चेरीज है नहीं, क्रैनबेरी टाइप्स, पता नहीं यार, बट जो भी है बहुत अच्छा है। डुगू को ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए इसका, ये वाला चाहिए, तो पहले मैं चाहिए खा लेती हूँ, डुगू को ये दे दूंगी। लगने वाला है पूरा दिन, एक रेस्टिंग डे होने वाला है, और ठंड ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है सच में आज के दिन। पहले कभी धूप आ रही है तो ठीक हो जा रहा है, धूप जा रही है तो बड़ा ही बुरा हाल हो जा रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डुगू पास चलूँ क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो चुका है, और एक क्योंकि मैं हम लोग सुबह बहुत लेट उठे और कल की वजह से पता है क्या हुआ, मैंने मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा डुगू की आज डांस क्लास थी, डुगू आज डांस क्लास में नहीं गया है। मुझे डांस क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम ओवर हो चुका है, अब कब को भेजेंगे। आगने आपको निनी करा दूं? नहीं कर लो, नहीं मैं निनी करा मिलेगा देखने को, प्लीज नो, दिस इज टाइम स्लीप नाउ। ये बंदर बन चुका है ये बच्चा,
He's just like a monkey. हाँ हाँ क्या यहाँ पर आपने गंदी बात करी. अच्छा कल आपने क्या किया था वो बताओ. उन्हें ऐसी सी शरारतें करी है ना. इन महाराज ने घर में वॉलिनी का स्प्रे कर दिया. जगह जगह स्प्रे हुआ अच्छे से. और हम लोग बाहर बैठे थे, हमें बाद में पता लगा कि वॉलिनी का स्प्रे कर चुके हैं ये बच्चे. अच्छा हो कि अपने फेस पे नहीं किया, पर इतना ज्यादा स्प्रे था पूरे कमरे में इन्होंने किया हुआ. और क्रीम इन्होंने अपने मुंह में लगा लगा के और हाथ धो के. ओ माय गॉड कितना बुरा हाल था. बहुत ही बुरा हाल किया था. गर्म करा था मैंने, माइक्रोवेव में रखा, लाइट चली गई. माइक्रोवेव से हटाया, थोड़ी देर वेट किया, फिर भी लाइट नहीं आई. जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला और गर्म करने को रखा तो लाइट भी आ गई. पर मुझे स्मेल भी आ रही है कुछ गैस की, पता नहीं क्यों, पर कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही है गैस की. चाय रेडी हो गई. हाँ जी तू बेड पर बैठे रहो बेटा, चाय बन के रेडी हो चुकी है. ठंड में बिल्कुल जाएगी अंदर. उसके सो चुके थे आज कि आज कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ और सिर्फ सोना है, ना कहीं जाना है, बस थोड़ा बहुत काम करना है. काम तो खैर करने की जरूरत पड़ी नहीं, कुछ नहीं किया यार, सच में कुछ नहीं किया. इट वॉज टोटली अ कम्प्लीट रेस्टिंग डे हो गया था आज तो. हो गया था नहीं, पर हो गया है. और अभी पीते हैं चाय और चिनू भी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे. लाइट भी ऑन करते हैं और साथ ही साथ व्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि अब चाय पीते हैं. और आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करते हैं. आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यस बाय बाय. डुगू अंदर है अभी, उसको ठंड लग रही है.